है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर डॉट गुरु पर जरूर आना। पशु पक्षियों के पर डायरेक्ट इनका असर पड़ रहा है। आप पढ़िए, शोध करिए, विज्ञान इसका अर्थ ऐसा नहीं होता। हमारे पास दूसरा विज्ञान की बात होती है, विज्ञान की बात नहीं होती। आप लोग बहे रहे हो, थोड़े से अपने प्राचीन ग्रंथों को अवलोकन करो तो भारतीय सभ्यता क्या थी, क्या होना चाहिए, क्या खान पीन रहन सहन होना चाहिए, आप इसका विवेक रखिए। नहीं तो बहुत बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। पहले के प्राण भी मान नहीं रहे थे, इसलिए बीच में मुझे कहना पड़ा। से जो पूजन है उसको पूजन को पूजन ढंग से करिए आप। हाँ बोलो। पहला वो यदि आप में आ जाए तो हम बहुत प्रसन्न।
शोक के त्रिजेंद्र भी और अपने में ग्लोरी लेने लग जाएंगे। यह विश्राम मानव का अतिशय है, वहां पर जाकर के सर्प भी बैठ जाता है, नौरा भी बैठ जाता है, कुत्ता भी बैठ जाता है, बिल्ली भी बैठ जाती है, जात मेल लेने वाले भी बैठ जाते हैं, उदम मचाते समय कोई भी नहीं बैठ। हाँ नहीं समझे, लयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। संगीत का अर्थ लयबद्ध एक भावाभिव्यक्ति है। लोग देवी तरह ध्यान, हम भी नाचते हैं और ये भी नाच रहे हैं, उदम नहीं होना चाहिए। कि कोई तांडव नृत्य करता है तो देवलोग भी उस पौधर मंत्र को देखते हैं। वो कब करता है? अन्य समय में नहीं करता, अपने दरबार में बैठे नृत्य तो देखता है, एक और लीला लीला जैसे जैसे, किंतु वह जब स्वयं नृत्य करता तो अपने सभा में एकदम से नृत्य नहीं करता, किंतु भगवान के सामने नृत्य करता। उसको देखने के लिए लोग सारे पुष्प वृष्टि करते हैं, क्योंकि वीरता के सामने हम बैठे हैं, खड़े हैं, नृत्य कर रहे हैं। लयबद्ध होना चाहिए, प्रत्येक में विधि है, उदम में कोई भी विधि नहीं होती, बल्कि विधि गोल हो जाती है। इसलिए आप लयबद्ध कार्यक्रम, भीड़ कितनी भी हो, जिसको भीड़ नहीं कहते उसको एक सभा, उसको एक प्रशिक्षण देने के लिए आप तो रो जाएंगे, देखो ये इतने समूह में भी इसने लयबद्धता के साथ कहीं कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है, पर भक्ति करके ये लोग आ जाते हैं। लोग समझ रहे थे आज गुरुवार नहीं किंतु रविवार है, जनता में एकत्रित हो जाए तो पिंडॉफ साइलेंस इस बार एक पाठ मिलेगा लोगों को, क्रियंतों को भी पाठ मिलेगा। हमारे भगवान विश्राम है, हमारे गुरु विश्राम है, तो वह उनकी उपासना के समय पर हमें कुछ तो संयम रखना होगा। अब आप लोग पूजन करने में बहुत भावना रखते हैं, इसमें कुछ समझ में आ गया, लेकिन आपके पास थोड़ा सा एक गुण चाहिए, कौन सा? हाँ, तो आपके लिए द्रेस रखे गए हैं, नहीं समझे? हम प्रबंधकों के लिए पूछना चाहते हैं, आप लोगों में धोती दुपट्टा नहीं होगी इसलिए तो ऐसा हुआ, बोलो। यदि है, यदि है तो इनको बहुत जल्दी को भूल गए होंगे, है हम कौन से क्या पहने ये मालूम नहीं उनको। ये जान लो खो, जब भोजन के लिए हमें बुलाते हो, बिठाते हो, ए बेटा अभी नहीं बुला, ये प्रबंधक है, अब देखो उनका नाम आ गए ना, उनके पास सब व्यवस्था थी, लेकिन बराती बन करके आए हो, लेकिन जहाँ आए हो वहाँ की बात मानना चाहिए, है ना? हाँ देखो वो झाड़ क्या समझेगा मुझे बताओ, आपके घर में बड़ा सा आ जाए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, सब मिलेगा आपको व्यवस्थित, आप देखिए लाइन लगाए। अब उदम मचाओगे क्या देंगे मुझे बताओ, उसी के लिए तो बुलाया आपको। यहाँ पर 10-15 दिन पूर्व में एक सज्जन आए थे, महाराज हम उदम चाहिए के लिए आ रहे हैं, वे हम चाहिए नहीं देते, और कहते हमारे नहीं होते बैठे हैं तो मालूम नहीं पड़ना चाहिए कितने।
हमारे स्वास्थ्य में थोड़ी सी अड़चन आ रही थी, हमने कहा भैया आज तो रविवार है तो हम कर नहीं सकते, नहीं समझे जा कहाँ जाए भक्ति करने, समय अड़चन आ रही उधर बाहर जा रहे थे सब जगह थे। चौथे रास्ते से जाना पड़ा, उसमें भी योगदान हो रहा था, ऐसे कैसे होगा। बाहर में बिल्कुल सख्त मना कर दिया, कोई आ नहीं सकता, समय लेना चाहते हो तो समय दिया हुआ 9 बजे बस बैठो वहां पर। इसलिए जब सौधर्म इंद्र भी भगवान से प्रभावित होकर के भक्ति के मार्ग पर उतर आते हैं और उसका रस लेते हैं, आप नई पीढ़ी के लिए आगे आने वाले संतान के लिए ऐसा कुछ करिए और जाइए, जाते समय वो सीख जाए हाँ हमें इसमें आनंद लेना है जीवन पर्यंत, क्योंकि भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है जो भगवान के साथ हमारा जीवन जुड़ जाता है, और एक बार जुड़ जाता है तो अनंत कालीन जो जुड़ाव अन्य द्रव्यों के साथ है सब छूट जाता है। ऐसे छूटने के उपाय है, इसको बहुत तजीलता के साथ करना है, सब भेदभाव छूट जाए, राग भाव छूट जाए, द्वेष भाव छूट जाए, अभिमान छूट जाए। अरे अभिमान क्या, आप क्या होते हैं, वह देव भी कहते हैं हम किन्नर हैं, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, हमारी सेवा स्वीकार हो। राम कैसे कैसे थोपना चाहते हो सेवा, कौन स्वीकार करेगा मुझे बताओ, भगवान आपकी सेवा स्वीकार नहीं है, नहीं तो आपकी सेवा की कीमत ही समाप्त हो गई। हम जो रहे बीच में उनको कहेंगे ये इनको थोड़ा सा विवेक कभी थी भगवान और उसकी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि इनके पास 6 गुण तो है, इसमें कोई संदेह नहीं, कितने दूर से आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं और कष्ट उठाते हुए आए हैं, पैदल चल के आए हैं। ये हम याद रखेंगे आप लोग, और जहाँ कहीं से भी आए वहाँ पर हम वो पूछेंगे महाराज ने क्या दिया, बहुत अच्छी चीज दी है, नहीं समझे। और हम लोग सब पास होकर के आए, किसी को फेल नहीं करेंगे, सब लोग हाँ कह दो तो सब लोगों को हाँ कहवा दो। हाँ, और इस प्रकार बच्चों को कह देना तो खाते हुए कभी नहीं भगवान के मंदिर में मुख शुद्ध होने चाहिए, पैर भी शुद्ध होना चाहिए, तब वह प्रवेश करना चाहिए, कभी भी इधर उधर देखना नहीं चाहिए। मंदिर प्रवेश करने के लिए अपने शुद्ध पैर होना चाहिए, हाथ तो शुद्ध रहते हैं लेकिन ये भी रहना चाहिए मुख भी शुद्ध होना चाहिए, और शुद्ध उच्चारण के साथ भगवान की भक्ति दर्शन कर लेना चाहिए, जिसके माध्यम से अनंतकालीन जो कर्म बचे हुए हैं उनको क्षति पहुंचती है और हमें मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। अवश्य ही भग
करने से भक्त को भगवान बनने का अवसर बहुत जल्दी प्राप्त होता है। आप मुक्ति जल्दी चाहते हैं कि लेट से? अच्छा, मतलब चाहते हैं बस ऐसा। हम नहीं चाहते हैं तो किसने भी नहीं कहा है। ऐसी बात है, आप लोग भगवान से परिचित हैं, भगवान मुक्त हैं और आप बंधे हुए हैं, बंधे हुए हैं। बंधे छोटा चाहते हो? बिल्कुल पक्का, बिल्कुल पक्का। घर में पूछ लो, उसके बारे में शुद्ध हमें विवेक नहीं है तो हम अहिंसा के पालक कैसे होंगे? मुझे बताओ, बड़ी समस्या है। और माता पिताओं को भी सोच लेना चाहिए हमारे घर में कौन सी चीज आ रही है जिसमें हम संदेह कर, हमें संदेह है इसमें बिल्कुल भी एक प्योर चीज है क्या? आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके बारे में भी विवेक नहीं रखेंगे तो क्या है? मुझे बताओ, हम शुद्ध भोजन करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसा बनता है, ये यदि आप सोचेंगे नहीं है तो हमारा भोजन शुद्ध कैसा माना जाए? रात्रि भोजन का त्याग होते हुए भी आप यदि शुद्ध भोजन दिन में नहीं करते तो उसका क्या मूल्य है यह हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए छह गुण के साथ साथ सातवां गुण कौन सा कहा? हाँ, ये यदि नहीं रखेंगे तो क्षीर नीर विवेक होना चाहिए। आप दूध खरीदते हैं और दूध खरीदा कितने रुपए में एक लीटर है तो उन्होंने कहा 40 रुपए, 40 का हम 45 से निकले तैयार हैं। हाँ, लेकिन हमारे लिए बोलो शुद्ध चाहिए। हाँ, बिल्कुल शुद्ध चाहिए। आपके पैसा शुद्ध है तो हाँ नहीं बिल्कुल ले लो, 45 ले लो, लेकिन हमें शुद्ध दूध चाहिए। और दे देता पतला क्यों दिख रहा है? वो कहता पानी शुद्ध है। हमने इसमें पानी छान करके प्रासुक करके डाला है और हमारे भाव बिल्कुल शुद्ध है। इसलिए शुद्ध है, आपको प्योर यदि मैं दूध दे दूं तो दस लग जाएंगे, इसलिए पानी पिलाया। हमने आपके पैसे को जो डॉक्टर के लिए जाने वाला था उसको भी आपको सुरक्षित कर दिया। इसको मानोगे आप शुद्ध? बोलो नहीं है ना। इसीलिए उस दूध में पानी कितना मिला है यंत्र के द्वारा आप क्या कर लेते हैं, इसमें कितना पानी मिला है। इसलिए हम इस पानी की कीमत 45 रुपए लीटर जैसे मानूंगा। ये कहते ना, उसी प्रकार मैं आपकी भक्ति को शुद्ध तब मानूंगा जब आपके पास विवेक भी होगा, है ना? सही है ना? हम सीख ठीक कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल है, ठीक है। तो मानो आज से खान पीन के बारे में आपको संशोधन अवश्य करना। इसके बारे में डिटेल तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा ही जमाना बनता जा रहा है कि बाहर से सभी खरीदने लग जाएंगे।
सारियां सारी सारी कहां से आने लगी? बाहर से आने लगी। खाली काय की? पूजन की नहीं, भोजन की। मंगा थे या नहीं? नहीं मंगा थे तो लगते तो खाली यहां पर, लेकिन कुछ चीजें तो इसमें आग लग करके भर जाती। तो सारी बाहर से मंगाने की जो पद्धति है, यह एक डाउटफुल है। विवेक आप काम में लो, इस पद्धति को सुधारो, बच्चों को बताओ। हम घर में आपको उपलब्ध कराएंगे, प्रयत्न करेंगे। जतवा तत्वा खान पीन मत रखो, ऐसे संभालेंगे तो धर्म की यह पद्धति संभल सकती है। नहीं है तो भगवान बोलते पर तो है, क्या कर सकते? पुरुषार्थ तो आप लोगों के हाथ में है। कंट्रोल आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बुद्धि वर्ग है, बच्चे भी बहुत प्रतिभा संपन्न है, उनको अच्छे ढंग से आस्था के साथ, विवेक के साथ संभालो, अवश्य वो समझेंगे, ताकि आगे धर्म का प्रभाव चलता रहे। नहीं तो सूख जाएगा, तो आपके लिए ही वह निमित्त बनेगा। हम लोगों के कारण यह प्रवाह रुक गया या सूख गया माना जाए। आप शुक्र सुखाना चाहो क्या? नहीं है ना, तो फिर अच्छे ढंग से चलो। भली पतली धार चले कोई वादा नहीं, लेकिन चलती रहे, रुक जाएगी तो उसमें गलती आएंगे। हम लोग छह गुण के साथ अवश्य ही भक्ति आसाई के साथ विवेक के रहेंगे। विवेक क्या काम करता है? पानी पानी और दूध दूध दूध, पानी से दूध को दूर कराने वाला विवेक कहता था। क्या कहता है? हाँ, पानी से दूध को दूर कराने वाला विवेक कहता था। इसे खीर नीर विवेक। महाराज जी क्या दिया? महाराज जी ने न खीर दिया न पानी दिया, किंतु खीर नीर को भिन्न करने का विवेक दिया है। वो हमारे पास ही था। हमें पास जो है उसी को मैं क्या दे सकता हूँ? आपकी चीज है, आपके पास होना चाहिए, उसका केवल उपयोग करना है ना। हमें कुछ दिया तो है नहीं, केवल उपयोग कराया है। आपकी ही चीज है, आप उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं, यह अच्छा नहीं माना जाता। आपके पास धन हो और फिर भी भीख मांगो तो अच्छा लगता है? नहीं लगा। ये जो पूर्वजों को याद करवाओगे, जो कोई इनके इनका लड़का इनका पोते नाती मांग रहा है, अपने घर के तो काफी संपदा है मांग रहा है। उसी प्रकार आप भगवान के सामने विवेक से जाओगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। जो कोई इसे से पहचान गए अपनी संपदा क्या है, समझ में आ गए ना? ये समझना ही मार्ग है, समझ लो तो अपने आप चले जाओगे। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, भले ही आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, ये आशीर्वाद की भी कोई आवश्यकता नहीं है, मुक्त हो जाएंगे। नहीं समझे? हमारे भगवान बहुत ये उदार है, इनको सही सही चलाने की सीख देते रहते हैं अपनी प्रवृत्ति के द्वारा, अपने दृष्टि के द्वारा, अपने अनुभूति के माध्यम से हम लोगों को उन्होंने यहाँ तक दिशा को दिया। आगे उनसे हम दिशा को देते रहे हैं और अपने जीवन को सफल बनाए। देखो आज रविवार नहीं होते हुए भी आप लोगों ने विवेक कभी रखी थी, इसलिए आपको प्रवचन सुनने के लिए मिल गया।